करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, राम लीव जय श्री भारत। हम लोग असम गोपुर और विश्वनाथ चौराली का बीच में है। विश्वनाथ चौराली हम लोग पहुंचने के लिए कुछ किलोमीटर बाकी हैं। शायद आज हम लोग विश्वनाथ चौराली में होल्ड करेगा होगा, ऐसा लग रहा है। हम जहाँ तक अंधेरा होगा तब तक हम रुकेंगे। हमारा सारा जनता को आप लोग कोई कोई कंफ्यूज हो रहा होगा जो आउट ऑफ स्टेशन में था। देखिए हम लोग ने 28 देश हमारा अपना ईटानगर में टेनिस कोर्ट ईटानगर में हम लोग ने 28 देश धरना बैठा है। और बैठते बैठते हम लोग ने अपना इस एक्सेलेंसी गवर्नर को भी हम लोग ने मेमोरेंडम दिया, उसका तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद हमारा जो सीएम है, प्रेजेंट सीएम है, उसको भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं आप सामने में आइए, बात करेगा, अपना मिशनरी भेजिए, हम लोग बात करेगा। कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था, इसलिए अपना स्टेट में कुछ भी एक्शन नहीं होने का कारण से हम लोग दिल्ली चलो प्रधानमंत्री को मिलने के लिए ये अभियान हम लोग ने निकला है। तो हम लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन 21 अगस्त को हम लोग उस दिन परसों निकला है, संडे को। तो संडे को निकल के कल हम लोग असम गोपुर ये उसको पार करके हम लोग आगे में कल होल्ड किया था, और आज सुबह हम लोग 5 बजे निकल के यहाँ अभी तक है। तो इसलिए हम लोग आज का अपडेट यही था। और हम लोग का चलने का मकसद जो हुई है, हम लोग अपना जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को हम लोग मिलने जा रहे हैं। मिलके हम लोग ये बताएंगे कि हमारा अरुणाचल में क्या चल रहा है, करप्शन कितना ज़्यादा चल रहा है, और प्रेजेंट सीएम जो हमारा पेमा खांडू जी है और उसका ऊपर में हम लोग एलिगेशन डाला है, और उन्होंने इतना सारा करप्शन किया है उसको हम लोग हमारा मोदी जी को बताएंगे। और मोदी जी को हम लोग ये अपील करने जा रहा है, हम लोग मदद मांगने जा रहा है मोदी जी को, और हमारा द्रौपदी मुर्मू से प्रेसिडेंट इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट इंडिया पार्टी की जो प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से, और हमारा होम मिनिस्टर से, जितना भी सेंट्रल जो मिनिस्टर है उन लोग से हम लोग अपील करने जा रहा है, मदद मांगने जा रहा है। हमें मदद कीजिए, हमारा जो अरुणाचल है जो करप्शन जो है शहर से ऊपर हो गया, हम लोग बर्दाश्त करने नहीं सक रहा है।